सस्ता शानदार। और एक बात और बता दूं, अभी इस टाइम हाथ में आई हुई है। इतनी हाइट पे कभी अकेले आए नहीं ना, हमेशा पॉइंट के साथ। रोड डबल नहीं है, सिंगल रोड है। और तीसरी बात, यहाँ पे वही कहानी है जो जोशीमठ में है, सड़क दसवीं कई जगह है, बहुत टॉप पे आ चुके हैं। गांव का नाम था पठारी, पठारी क्या था, पठारी की मत से चौक का जाएगा। गाड़ी में क्या है कि वीडियो बनाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं था, इसलिए उतर के दिखा रहा हूँ आपको। हाइट देखो आप इन विशाल काय पहाड़ों की, छोटे छोटे से गांव दिख रहे हैं बिल्कुल नीचे। देखो आप शानदार घना जंगल। जैसे हमें जगह मिली है, सुमन अपने इंस्टाग्राम के लिए रील बनाने लगी है, मैं मेरा काम करने लग गया हूँ। और सिर्फ पानी की आवाज़ आ रही है, इसका बॉटम भी नज़र नहीं आ रहा है। वो देखो वहाँ पे पानी की आवाज़ आ रही है, साथ में नदी बह रही है, बहुत ही शानदार। ये देखो ऐसे रोड धसी हुई है, इतनी सी रोड है, छोटी सी, बस इसी में से गाड़ी निकल रही है, बाकी ये पार्ट धस चुका है। इतना शानदार जंगल है, अगर आप आराम से सुनोगे ना तो आपको झिंगूर की आवाज सुनाई देगी। इस चीज को, इस रास्ते को हमने खूब एंजॉय किया है, खूब। और 50 किलोमीटर के रास्ते में हमें करीब 2 घंटे हो गए हैं चलते हुए, लेकिन बस वो आपके लिए वीडियो बना रहे हैं, साथ में हम खुद मज़े लेते हुए चल रहे हैं। इतना ओवर क्राउड है, लेकिन पता नहीं भगवान की इतनी कृपा है कि देखो, भगवान के इतना आशीर्वाद है कि देखो गाड़ी की जगह हमें आते ही मिल गई थी। और पूरी पार्किंग जाम है आगे तक, जो बाहर लगी हुई है ना गाड़ियाँ, उनको पुलिस वाले उनकी पर्चियाँ काट रहे हैं। ये बैठे भाई लोग, शानदार हाइट, शानदार जगह। और वो सामने गेट है जी, जहाँ से अब हम तुंगनाथ की चढ़ाई शुरू करेंगे। यहाँ से करीब 4-4.5 किलोमीटर तुंगनाथ है। बस यही बुग्याल है, पहाड़ों के टॉप पे जो जगह होती है ना, जहाँ ये लोग, पहाड़ी लोग अपने जानवर को छोड़ देते हैं ठंड में या फिर बरसात के टाइम, ये बुग्याल कहलाते हैं। ये बुग्याल है जी। तुंगनाथ की चढ़ाई के साथ एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। ये तुंगनाथ ही तो है। और जब बाबा केदार की चढ़ाई चढ़िया है ना, तो ये कुछ नहीं है। हाँ एक बात है, सी लेवल से ये बाबा केदार से भी ज़्यादा है, और चढ़ाई बहुत टफ है, पर कोई बात नहीं, आशीर्वाद हमारे साथ है। देखो सुमन, मजा आ रहा है, इतना अच्छा लग रहा है। देखो भीड़ इतनी थी, ओवर क्राउड था, पार्किंग थी नहीं, और इतनी, लेकिन हाल फिलहाल का बता दूं मैं कि कोई स्पेशल मेहरबानी रही भगवान की, जो बिल्कुल गेट के सामने में पार्किंग मिल गई। बाकी चढ़ाई तो है,
चार साढ़े चार किलोमीटर की, कोई बात नहीं, अगर उसका आशीर्वाद होगा तो जरूर दर्शन करके आएंगे। थोड़ा इधर चलो, इधर बीच में। हे महादेव, कहाँ कहाँ जाके बैठे हो? रास्ता देखो कितना कठिन है। देखो कल, ये तो कल क्या है, केदारनाथ की चढ़ाई के। मैं तो घोड़ा आ रहा, कुछ नहीं करेगा। क्या रास्ते हैं भाई, देख लो जी, ये रास्ता है। लेकिन हिम्मत नहीं आ रही है, हिम्मत बिल्कुल नहीं आ रही। हिम्मत आ गए तो सब खत्म है। वो वहाँ जाना है और लोग बाग शॉर्टकट भी जा रहे हैं, बट नहीं यार, लंबे वाली बात नहीं है, मुश्किल बहुत है, शॉर्टकट नहीं जाना चाहिए भाई। जब आपको रास्ता दिया हुआ है ना बना के, तो शॉर्टकट में थकावट ज़्यादा होती है, रुकना नहीं है यार। क्या वेदर हो रहा है, बट फिर भी प्रार्थना करते हैं बाबा भोलेनाथ से कि वेदर क्लियर रखना। देखो ये वीडियो आप तक तो लेट आएगा, लेकिन हम 18 तारीख को, 18 जून को केदारनाथ से वापस आए थे। और कुछ नहीं, अब तो आगे, अब क्या है, क्या शानदार नज़ारा है। ओए होए होए, घनघोर घटाएं, बस प्रार्थना ये है कि ये हमारे पे ना बरसे। बस ये थोड़ा सा रह गया, मुश्किल से 15 मिनट। कहते हैं कि केदारनाथ में स्वर्ग से हवा आती है, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि केदारनाथ से ज़्यादा, मतलब सी लेवल से ज़्यादा हाइट है तुंगनाथ की, और एक्चुअल हवा यहाँ पे भी बहुत अच्छी आती है स्वर्ग से। ये देख लो स्वर्ग का नज़ारा, हमने जितने भी महादेव जी के ये मंदिर देखे ना, सब में एक ही टेक्नोलॉजी से बने हुए मंदिर है। यानी कि इसके अंदर कोई सीमेंट रोड़ी बजरी कुछ भी काम नहीं आई थी, सिर्फ एक टेक्नोलॉजी से बने हुए, एक के ऊपर एक पत्थर रखा हुआ है। पता नहीं कैसे हजारों सालों से ये मंदिर अभी तक स्थापित है। जाओ मत यार, अभी बहुत जरूरत है आपकी। यहाँ पे क्या है कि तुंगनाथ जब भी आप आओगे ना, तो घोड़े की हो चाहे पालकी की हो, पहले रेट फाइनल कर लेना। वैसे घोड़े वाले 1300 रुपये मांगते हैं आने जाने के, और पालकी वाले 4000-4000 रुपये। बार्गेनिंग कर सकते हो यहाँ पे, ऐसा कोई फिक्स प्राइस गवर्नमेंट का नहीं है, बहुत ही प्लस माइनस चलता रहता है। जैसे 1300 मांगे तो 1000 रुपये में भी आ जाएंगे, ये 4000 मांगेंगे तो 3000 में भी चले जाएंगे पालकी वाले, क्योंकि ये ज़्यादा नहीं है, 4-1 किलोमीटर। हालांकि चढ़ाई इसके भी बहुत टफ है, और ऊंचाई इससे, ऊंचाई जो है केदारनाथ से ज़्यादा है इसकी, तुंगनाथ की। नाक में ठंडी हवा लग रही है, नाक में पानी चलने लग जाता है, ऊपर ठंड है। चलो दोस्तों,
इस ब्लॉग को करते हैं यहीं समाप्त, फिर मिलते हैं एक नई जगह पे। टिल देन खुश रहो, मुस्कुराते रहो और इसी प्रकार से धार्मिक यात्राएं करते रहो। जबरदस्त बारिश आ रही है तुंगनाथ के वापस आते हुए। देखो अभी थोड़ी बंद हुई है तो हिम्मत कर पा रहे हैं वीडियो बनाने का, वरना इतनी जबरदस्त बारिश में तो कैमरा सब अंदर छुपा के रखा। और मौसम देखो ऐसा लग रहा है बादल ही नीचे आ गए हो। देखो इनके केदारनाथ ने सोचा था सूखा सूखा जाके आ गया। हाँ सारे कपड़े शूज सारे मेरे व्हाइट पैंट की क्या हालत हो गई वाटरप्रूफ शूज बैंड बज गई कहने की बातें थी सारी की सारी कंपनी वाले बोलते हैं वाटरप्रूफ, अंदर पानी भरा हुआ है लबालब शूज में। रास्ता देखो और हाइट देखो क्या गजब है, पर मजे आ गए। बारिश में भी थोड़ा सा चलने का सपना था, एक रेनकोट लिया और अम्ब्रेला ली तो ऐसे लगा काम ही नहीं आएगा, अब महादेव जी ने सब काम में आ गया।